कि युद्ध के 25वें दिन इसराइल ने दावा किया कि उसने हमास का सबसे बड़ा कमांडर मार गिराया है। इसको बताया जा रहा है कि इसराइल का जो 9/11 अटैक था ना, एक तरीके से ये उसका मास्टरमाइंड खल्लास मार दिया गया उसको। रिपोर्ट देखिए आप। सात हजार रॉकेट दागने वाला मास्टरमाइंड मारा गया। This evening we managed to eliminate the terrorist, the murderer Ibrahim Biari. हमास के खुफिया सुरंगों को इजराइल ने उड़ा डाला। इजराइल के हमले में हमास का कमांड सेंटर तबाह। गाजा पट्टी में एक भी ऐसा मिनट नहीं है जब इजरायली रॉकेट या बम नहीं बरस रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 60 सेकंड पूरा होते होते हमास के ठिकाने पर बम बरस पड़ते हैं। गाजा के जबलिया में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने हमास कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। जबलिया पर जिस जगह हमला हुआ वहां हमास के आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। इजराइल ने ड्रोन अटैक में हमास के आतंकी को मार गिराया। במהלך הלילה לוחמי צה"ל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה, ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח. המבנה הזה, כמו מקומות רבים נוספים, מחבלי חמאס משתמשים בהם כמקלט. IDF כמוטאביק उसने हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी को मार गिराया है। बियारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों में शामिल था और उसे ही टारगेट करके उसने इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया है। इजराइल का दावा है कि यहां हमास ने अपना कमांडिंग सेंटर बनाया हुआ था जिसे तबाह कर दिया गया है। इब्राहिम बियारी इसराइल पर हुए कई हमलों में शामिल था। वो इसराइल पर हमले के बाद से गाजा पट्टी में हमास के सभी अभियानों की देखरेख कर रहा था। जबालिया फिलिस्तीन का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। This evening we managed to eliminate the terrorist, the murderer Ibrahim Biari. Biari is the individual who was the main leader of combat since the entrance of the forces into North Gaza. He was also involved in the October 7th massacre. During his elimination, many terrorists were killed. इजराइल का दावा है कि जबेलिया में जिस जगह उसने हमले को अंजाम दिया है वहां हमास आतंकियों की सुरंगों का एक बड़ा जाल मौजूद था। अभी हमारे पीछे थोड़ी देर पहले तोप से हमला किया गया था शहर पे, जबालिया में ही मुझे लगता है वो हमला किया गया, लेकिन ये जो है बेत हनून और बेत लहिया पे ये अभी हमला हुआ है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा आसमान सफेद और काले धुएं से भर पड़ा है। जो रिहायशी इलाका दिख रहा था वो अभी धुंधला हमें दिखने लगा है। और दूसरी तरफ ये जो जबालिया है, इधर आपको दिखाते हैं जबालिया, जबालिया में भी अभी तुरंत एक गोला दागा गया है, उसका धुआं हमें यहाँ से नजर नहीं आ पा रहा, लेकिन हमारे ऊपर से गया, तोप से हमला किया गया। बताया गया कि हमास के 2500 टनल के नेटवर्क को खत्म करने में अमेरिका भी इसराइल की मदद कर रहा है। हमास की सुरंगों वाले वार को कैसे बेअसर करना है इसका ब्लूप्रिंट भी तेल अविव में अमेरिका के जनरल ने तैयार कर लिया है। इसके बाद ही इजरायली फोर्स ने हमास के टनल में उतरकर सामने से आतंकियों का खात्मा करना शुरू किया है। ये सुरंग
कई जगह इतनी पतली है कि वहां से सिर्फ एक ही शख्स गुजर सकता है। जंग के 25वें दिन इजरायली सेना हमास के कई सुरंग के मुहाने तक पहुंच चुकी है और इजरायल ने इन सुरंगों का मैप भी बना लिया है जिस पर ड्रोन से हमला हो रहा है। इजरायली फोर्स ऑटोमेटिक वेपन के साथ गाजा के उत्तरी बॉर्डर से अंदर घुस रही है। पीठ पर गोलियों से भरे बैग हैं, उसके सैनिक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण गाजा में देर रात इजरायली सेना ने मिसाइल से अटैक किया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमले में हमास के कई आतंकियों की मौत हो गई है, वहीं कई आतंकी जख्मी हैं। रात के अंधेरे में इजरायल ने हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के एक सीनियर कमांडर नसीम अबू अजीन को भी मार डाला है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने गाजा के जेनिन इलाके से हमास के आतंकी अता अबू रामिल को गिरफ्तार किया है। गाजा के जेनिन शहर में कल रात इजरायल की सेना ने बड़ा जमीनी ऑपरेशन चलाया था जिसमें उसे बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया जा रहा है।